हनुमानथल पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को पिस्टल, कारतूस और चाइना चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश हनुमानथल तालाब जैन मंदिर के पास हथियारों के साथ पकड़े गए। पुलिस ने इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया है। दोनों आरोपी मराठा गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। इनके विरुद्ध हनुमानथल थाने में पूर्व से भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। हनुमानथल तालाब जैन मंदिर के पास दबिश देकर पुलिस ने दो शातिर बदमाशों खाई मोहल्ला निवासी अंकित मराठा और अभिषेक मराठा को गिरफ्तार किया। इनसे एक देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, एक चाइना चाकू जब्त किया गया। दोनों बदमाश मराठा गैंग के सदस्य हैं। इनके विरुद्ध हनुमानथल थाने में पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इनके द्वारा गैंग बनाकर मारपीट और आपराधिक वारदातों को पूर्व में भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। दो लड़के संदिग्ध अवस्था में मिलते हैं, पुलिस को देखने के भागने की कोशिश करते हैं तो उनको पकड़ लिया गया, जिसमें से एक की पहचान अंकित मराठा के रूप में हुई, जो अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए था। वो पिस्टल में चार जिंदा कारतूस भी लोडेड थे, उसको अनलोड किया गया मौके पर ही। दूसरा जो है अपना नाम अभिलाष मराठा बताया, ये भी खाई मोहल्ला का रहने वाला है, दोनों रिश्ते में दूर के भाई भी लगते हैं। इसके पास से एक चाइना चाकू बरामद की है। दोनों के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध हमने कायम किया है और पिस्टल कहां से प्राप्त किया है इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और जो है इसका सोर्स का पता लगा के उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इनसे पिस्टल, कारतूस और चाइना चाकू के संबंध में पूछताछ कर रही है। इनके पास ये हथियार कहाँ से आए इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।